असलम दोस्तों फिर वीडियो के साथ हाजिर हूँ जैसे कि फैसलाबाद में वाक्य पेश आया है तो उस वाक़े की मैं आपको मुकम्मल वीडियो दिखाने वाला हूँ वीडियो आपने एंड तक देखनी है वीडियो देखने के बाद फैसला आपने करना है कि कसूर किसका था और आखिर औरत के साथ इतना बदसलूक क्यों किया गया उसकी शर्मनाक वीडियो क्यों बनाई गई उसको नंगा क्यों किया गया पहले ये वीडियो देखें दोस्तों जैसे कि आपको ये वीडियोज़ में नज़र आ रही है औरत बिल्कुल जाती है शॉप में वहाँ जा जो भी हरकत जो कुछ भी करते हैं ये आपको नजर आ रहा है अब बात यह है कि औरत गलत करती है वहाँ जाके मसलन जो भी उठाती है जो चीज़ करते करती है अब कानून हमारा किस लिए है हमारा हक बनता था कि हम कानून को बताते इनका बनता था कि ये कानून को बताते उसके बाद कानून का काम था जो भी कार्रवाई करते इन्होंने अपनी अदालत लगा दी इन्होंने औरत के कपड़े पाड़ दिए इन्होंने औरत के कपड़े उतार दिए ये 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 तो कि कानूनी हुआ ना बाकी ठीक है औरत का कसूर था पर इनको ये बात नहीं सोचती थी कि वहाँ श्रेयम औरत के साथ इस तरह का सलूक करते बाकी आपकी राय क्या जरूर दीजिए कि मिलती अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़